देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार ने इस मौके पर 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा था। आज हर घर तिरंगा लहरा रहा है। पिछले 75 वर्षों में देशवासियों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इन 75 वर्षों में देश ने तरक्की की नई कहानी गढ़ी है। तमाम अड़चनों के बावजूद भारत तेजी के आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर है। अब 5 ट्रिलियन भारतीय इकोनॉमी की बात हो रही है। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से भी तेज रफ्तार से तरक्की करने के संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था दे रही है। ब्लूमबर्ग और SBI रिसर्च की रिपोर्ट में भारत को मंदी के खतरे से सुरक्षित करार दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव। वहीं मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2022 और 23 में भारत एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर सकता है। आजादी के जश्न के बीच हम आपके लिए कुछ खास आंकड़े लेकर आए हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उस समय 1-2 पैसे का भी खासा महत्व था। 1 रुपए में ढेर सारी चीजें हो जाती थीं। आइए 1947 से आज तक चीजों की तुलना करते हैं, खासकर चावल, चीनी, आलू, दूध, सोना और पेट्रोल के भाव को बताते हैं। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 52,000 रुपए के करीब है, जबकि 1947 में 10 ग्राम गोल्ड का भाव महज 88.2 रुपए था। फिलहाल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। दिल्ली में फिलहाल आज पेट्रोल 96.72 रुपए है, जबकि 75 साल पहले 1947 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत केवल 27 पैसे थी। फिलहाल आज चावल 40 रुपए प्रति किलो है, जबकि 75 साल पहले 1947 में 1 किलो चावल की कीमत 12 पैसे प्रति किलो थी। फिलहाल चीनी आज 42 रुपए प्रति किलो है, जबकि 75 साल पहले 1947 में 1 किलो चीनी की कीमत केवल 40 पैसे प्रति किलो थी। फिलहाल आज आलू 25 रुपए प्रति किलो है, जबकि 75 साल पहले 1947 में 1 किलो कीमत 25 पैसे प्रति किलो थी। फिलहाल आज दूध की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, जबकि 75 साल पहले 1947 में 1 लीटर दूध की कीमत 12 पैसे प्रति लीटर थी। फिलहाल आज साइकिल की कीमत 8,000 रुपए है, जबकि 75 साल पहले 1947 में एक साइकिल की कीमत 20 रुपए थी। फिलहाल आज फ्लाइट किराया दिल्ली से मुंबई की कीमत 7,000 रुपए है, जबकि 75 साल पहले 1947 में एक फ्लाइट किराया मुंबई से दिल्ली की कीमत 140 रुपए थी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।